तो चलिए आज हम बचे हुए आटे का पास्ता बना के तैयार करते हैं। सुबह में कभी कभी आटा लगाते हैं और आटा हमारा बच जाता है, तो उसका पास्ता बना के तैयार करें। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता होता है ये। आटे को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसमें एक चम्मच घी या तेल डाल दें। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल राम रति की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमें आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री होता है, तो आप बेफिक्र होकर हमें सब्सक्राइब करें। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। इसमें मैंने इस गिलास से डेढ़ गिलास पानी डाल दिया है और इसमें अच्छा से उबाल आने दें। कढ़ाई में हम आधा चम्मच नॉर्मली जो खाना खाने वाले चम्मच होते हैं उससे हम आधा चम्मच नमक डालते हैं। एक चम्मच हम तेल डालते हैं। अच्छा उबाल आ चुका है। किचन में मिर्ची काटने के लिए हम लोग तो अक्सर एक कैंची रखते हैं। इसके छोटे छोटे ऐसे करके हमें काट लेना है। ये आराम से कट जाता है, इसे काटने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बस ऐसे ही करके इसे हमें डाल लेना है। ये जो पास्ता होता है मैदे की पास्ता से ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि इसे हम आटे से बना रहे हैं। थोड़ा तो मेहनत लगता है लेकिन इसका जो टेस्ट आता है बहुत ही बेहतरीन आता है। इसे हम 10 मिनट मीडियम आंच पे उबलने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, पास्ता हमारे अच्छे से पक चुकी है। इसे हम एक छन्नी में छान लेते हैं और इसका पानी अलग कर देते हैं। पास्ता में डालने के लिए मैंने थोड़े से प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को लंबे लंबे बारीक काट लिया है। पास्ता को भी मैंने छन्नी में छान के इसका पानी निकाल दिया है। मैंने गैस पे फिर से सेम कढ़ाई धो के चढ़ा लिया है। इसमें हम 3 चम्मच तेल डालते हैं। जो तेल आप खाते हैं वही तेल डालें। इसमें हम 1 चम्मच लहसुन है जिसे मैंने बारीक काट लिया है उसे डाल देते हैं। 2 हरी मिर्च है उसे हम डाल देते हैं। अब इसमें हम अपनी सब्जियों को एक साथ ही डाल लेते हैं। सारे सब्जियों को डाल के इसे हमें 5 से 7 मिनट अच्छे से धीमी आंच पे भून लेना है। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। ये हमारे अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं। ध्यान रहे नमक का इस्तेमाल हमने पास्ता उबालते समय भी किया था। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यदि बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कम करें। आधा का आधा हमें गरम मसाला डाल लेना है। 1 चम्मच पास्ता मसाला को या मैगी मसाला को डाल लें। मसालों को 2 मिनट हम और अच्छे से भून लेते हैं। आधा चम्मच इसमें हम सोया सॉस डाल देते हैं। मसाले भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम पास्ता को डाल देते हैं। इसे हम 4 से 5 मिनट अच्छे से पका लेते हैं। इसे हमें ढक के नहीं पकाना है, बस ऐसे ही इसे हमें खुले में ही पकाना है। पास्ता हमारे से अच्छे से भून चुकी है। बंद कर ले। ऊपर से टोमेटो सॉस जितना आपको अच्छा लगे उतना आप डाल दें। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये पास्ता देखने में ही इतना अच्छा है तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ऊपर से हमने धनिया पत्ती से अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। तो इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करें और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देख के आप हमें सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।